एक फेमस कोट है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, लथककर बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में सत्र 2024-25 के लिए अब एडमिशन और काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और ऐसे में आपके एडमिशन को पुख्ता करने के लिए, आपके एडमिशन की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए और आपको काशी विद्यापीठ में पहुंचाने के लिए डीएनएस लॉन्च करने जा रहा है अपना एक नया सीरीज जिसका नाम है काउंसलिंग मेला। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग मेला क्या है और किस प्रकार डीएनएस आपको इस काउंसलिंग मेला की सीरीज के माध्यम से आपके एडमिशन और काशी विद्यापीठ तक पहुंचने में हेल्प करने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि कैसा लगा आपको डीएनएस का ये प्रयास और कैसा लगा हमारा ये काउंसलिंग मेला। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हालांकि ये एक नई शुरुआत है, मैं आपको फिर से बताऊं, और उम्मीद है कि आपने इस प्रकार का शुरुआत अभी तक YouTube पे तो बिल्कुल ही नहीं देखा होगा। हालांकि शुरुआत नहीं है, लेकिन जो मेला शब्द है ये इस शब्द से आप सब लोग रूबरू होंगे। हाँ, जहां तक मुझे ज्ञात है कि मेले शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि अलग अलग टाइप के लोग, डिफरेंट टाइप के पीपुल जब किसी एक पर्पस के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं उसे मेला कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप कहीं ना कहीं मेले में घूमने गए होंगे, तो वहां पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं लेकिन सबका पर्पस एक होता है। क्या होता है? घूमना और जो है जो भी है सामान खरीदना, इंजॉय करना। वैसे ही अब आप सबका पर्पस क्या है? विद्यापीठ में एडमिशन का और डीएनएस लगाने जा रहा है अपना काउंसलिंग मेला। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, आपको डिटेल में बताते हैं कि काउंसलिंग मेला क्या है और किस प्रकार आपकी सभी समस्याओं का समाधान डीएनएस करने वाला है। आइए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि काउंसलिंग मेला क्या है, तो जरा समझिएगा। और मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, कहानी ये खुद की मेरी कहानी है कि जब पिछले 4 से 5 साल पहले जब मैं वाराणसी में आया हुआ था कॉलेज के एडमिशन के लिए, तो मुझे आज भी याद है कि जब मैं फर्स्ट डे आया हुआ था, चूंकि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मेरा नाम था, तो मुझे आज बहुत अच्छे तरीके से याद है कि जब मैं काउंसलिंग के लिए आया था उस टाइम 4-5 डॉक्यूमेंट के अभाव में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। और मेरा ऐसा मानना है कि उस समय तो चूंकि मेरे पास खुद का फोन नहीं था और उस समय टेक्नोलॉजी उतनी आगे नहीं जिस 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 प्रकार इस समय है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जब सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी चीजें ग्रो कर रही हैं, तो क्यों ना हम आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएं जिससे आप अपने एडमिशन में कोई कठिनाई और कोई परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि जब से आप डीएनएस के प्लेटफॉर्म पर जुड़े होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। हालांकि कहा जाता है कि बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं, उसको महसूस कराई जाती है। और मुझे उम्मीद है कि आपने डीएनएस से ये महसूस किया होगा कि सभी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको समय समय पर मिलता रहता है। तो मुझे आज भी याद है जब मैं आया था तो मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, बिकॉज कि मुझे पता नहीं था कि काउंसलिंग होता क्या है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन लगते हैं, क्योंकि उस समय ना डिजिटल का थोड़ी जमाना था। उस समय अगर आप 5-6 साल पहले जाओगे तो ये जमाना नहीं था। कोविड के बाद ज्यादा एक्टिव हुआ है सोशल मीडिया, और उस समय कॉलेज में भी कोई इंफॉर्मेशन उतनी अच्छे से नहीं मिलता था। तो मेरा ऐसा मानना ये है, और चूंकि मैंने ग्राउंड लेवल पे उस चीज को महसूस किया है, एक्सपीरियंस किया है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उस प्रॉब्लम को जो है फेस ना करो। और उस प्रॉब्लम के बिना, कहते हैं ना कि अगर कोई किसी टारगेट तक पहुंचा है तो उसको पता है कि उस टारगेट तक पहुंचने के लिए क्या रास्ता होना चाहिए। तो हम लोगों ने काउंसलिंग कराई है, एडमिशन कराई है, तो मुझे पता है कि किस प्रकार काउंसलिंग और एडमिशन की प्रक्रिया चलती है। इसलिए इस काउंसलिंग मेला के माध्यम से मैं आपको आपके काउंसलिंग पूरी तरह से गाइड करने वाला हूँ। इसमें क्या कुछ होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा, अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। मान लीजिए विद्यापीठ में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ऐसे में हो सकता है कि आप में से 10 ऐसे बच्चे होंगे जिनके सेम डाउट्स होंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि आप लोग अपने डायरेक्ट सवाल हमसे नहीं पूछ पाते हो, और उसी चीज का सलूशन हमने निकाला है, उसकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपके डाउट्स रहेंगे, उस डाउट्स के लेट सपोज कि आप में से 100 छात्रों ने मिलकर के हमको 10 डाउट्स अपने भेज दिए, उन 10 डाउट्स पर हम क्या करेंगे, तो वीडियो बनाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या होगा। सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा जो कि हमने इसमें बनाया हुआ है। इस गूगल फॉर्म में क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस फॉर्म का लिंक होगा, यहाँ पे आप अपना डेट, किस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, ताकि डेट देखिए ना कि डेट के अकॉर्डिंग क्या आपके डाउट्स हैं। उसके बाद आपका नाम क्या है, आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर। कुछ छात्रों का नंबर सेम होता है, कुछ छात्रों का मोबाइल नंबर, कॉलिंग का नंबर, व्हाट्सएप का नंबर अलग होता है, चूंकि किसी किसी केस में डायरेक्ट आपसे बातचीत होगी, इसलिए
ये जानकारी आपसे ली जा रही है। कोर्स का नाम, यानी कि आप किस कोर्स के लिए विद्यापीठ में काउंसलिंग करवा रहे हैं, या आपने फॉर्म भरा है, या आप एडमिशन लेना चाहते हैं। आपका रिजल्ट क्या है, यानी कि इंट्रेंस एग्जाम हुआ है तब तो आप अपने स्कोर डाल देंगे, नॉन इंट्रेंस है तो नॉन इंट्रेंस लिख देंगे। उसके बाद अब आपके सवाल, आप क्या सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, आप इसको लिखेंगे और हमारी टीम इसको फिल्टर आउट करेगी और आपके प्रश्नों का जवाब हम वीडियो के माध्यम से देंगे। कहने का मतलब ये है कि ध्यान दीजिएगा, अपने प्रश्न को लिखते हुए डिटेल में लिखिएगा कि आपका नाम ये है, सर मेरी ये प्रॉब्लम है। कहने का मतलब है कि एकदम डिस्क्रिप्टिव वे में आप पूरा अपना प्रॉब्लम का, मतलब पूरा प्रॉब्लम लिखिएगा। इवन आप चाहें तो 4-5 लाइन में बकायदे लिखिएगा कि कोई भी उस क्वेश्चन को पढ़े तो समझ जाए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो डिटेल में इसको लिखिएगा और इसका आंसर आपको दीजिएगा, और अपना एक फीडबैक आप डेज के बारे में डाल दीजिएगा और इसको सबमिट कर लीजिएगा। अब ये गूगल फॉर्म हमारे पास आ जाएगा, ठीक है? तो जब आप ये गूगल फॉर्म भर देंगे तो डाटा मेरे पास आ जाएगा, और उसके बाद क्या होगा इसको आप समझिए। मान लीजिए कि एक दिन में 100 बच्चों ने फॉर्म भरा, 100 बच्चों ने इस गूगल फॉर्म को भरा, और लगभग उसमें से 10 ऐसे सवाल आए जो लगभग 100 बच्चों का वही सवाल था, यानी कि 10 मैंने क्वेश्चन ऐसे उसमें से चूज किया जो 100 बच्चों का डाउट था। उसको अब हम क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, डेली यूट्यूब पे इसी प्लेटफॉर्म पे डेली शाम को 7 बजे, याद रखिएगा, शाम को 7 बजे डेली, जब तक आपका काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम का पूरा जो है काउंसिलिंग का प्रोसेस, यानी कि एडमिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है या जब तक आपको जरूरत रहेगी, तब तक जो है शाम को 7 बजे मैं लाइव जुड़ूंगा उन प्रश्नों के साथ कि इस छात्र का ये डाउट है, इनका ये नाम है, इनका ये कोर्स है, ठीक है? आप फॉर्म भर देंगे तो 7 से लेकर के 7:20 तक, 20 मिनट तक संभवतः हम लाइव आपके साथ डेली जुड़ेंगे और उन सवालों के साथ। ध्यान दीजिएगा, हम इसी में एक स्पेशल सीरीज भी शुरू करेंगे। उस स्पेशल सीरीज में क्या होगा कि जो हमारे बीए के, बीकॉम के, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीसीए, बीए मास कम्युनिकेशन, बीएलएलबी और एलएलबी के जो छात्र होंगे उनके लिए हम एक नई सीरीज लेके आने वाले हैं, जहां पे इस गाइडेंस के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से, मान लीजिए कि आपके मन में डाउट कंफ्यूजन है काशी विद्यापीठ के एलएलबी के डिपार्टमेंट को लेकर के, बीए के डिपार्टमेंट को लेकर के, बीए के कोर्स को लेकर के, कितने कोर्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट होते हैं, या सब्जेक्ट कैसे चूज करना होता है, कैसे पढ़ाई होती है, बुक्स कौन सा लगता है, यानी कि जो भी एवरीथिंग जो भी आप जानना चाहते हो, उसके लिए हमारी टीम आपके लिए एक गूगल मीट अरेंज करेगी जहाँ पे 100 बच्चे तक जुड़ेंगे, और ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हालांकि इसका स्लॉट, इसके लिए अलग से मैं वीडियो लेके आऊंगा, बताऊंगा किस प्रकार, किस डेट पे इसका गूगल मीट रहेगा। उस गूगल मीट पे क्या होगा कि मैं रहूंगा और आपके जो विद्यापीठ में जो सीनियर्स हैं जो वहां पढ़ रहे हैं वो रहेंगे, एक दो बच्चे रहेंगे, एक एक गर्ल्स और एक बॉयज रहेंगे, या 2-3 जो भी पॉसिबल होगा, और हमारे जो टीचर्स हैं, यानी कि जो डीएस के टीचर हैं सब्जेक्ट से संबंधित, वो रहेंगे। और उस मीट में क्या होगा कि आप अपने सवाल पूछोगे अपने सीनियर से और वो आपको गाइड करेंगे, यानी कि ये हमारी योजना रहेगी। हालांकि शाम को 7 बजे डेली आपसे मुलाकात होने वाली है काउंसलिंग मेला के अंतर्गत, जहाँ पे आप गूगल फॉर्म को जरूर भरेगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो देखिए जो गूगल फॉर्म को जल्दी भरेगा, पहले भरेगा, उसका डाउट पहले आएगा, क्योंकि फॉर्म में जो पहले भरता है उसका पहले आता है रिस्पॉन्स, तो ये काम करिएगा। और हाँ, चूंकि जो है वहां पर नंबर भी डाला गया कि मान लीजिए कि आपका कोई एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है, अपवाद वाला, तो हमारी टीम उसको सॉल्व आउट करेगी। मान लीजिए कोई छात्र का 100 में से कोई एक ऐसा डाउट मिल गया जो केवल एक ही बच्चे का है, तो वहां पे पर्सनली कॉल करके हमारी टीम करेक्ट करेगी और मैं आपसे बात करके, आपसे सीधे बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, ठीक है? ये हमारी योजना है, और बाकी इसमें हम और भी चीजों को इम्प्रूव करने वाले हैं, धीरे धीरे और भी योजनाओं को लेके आएंगे, तो आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। बाकी आज के इस वीडियो में तो इतना ही, यही थी काउंसलिंग मेला की शुरुआत आप सबके लिए। कैसा लगा आपको हमारा ये उद्देश्य, और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि इसमें और ऐड किया जाए, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि हम इस काउंसलिंग मेला में आपके विचारों को भी, आपके आइडियाज को भी ऐड करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अब कल से काउंसलिंग मेला में शाम को 7 बजे। बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।